अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार, जो कि विषय उपशास्त्रीय संगीत की विभिन्न गायन शैलियों पर है, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्राचार्य डॉक्टर एच एल अनिजवाल सर कर रहे हैं, मैं सभी छात्राओं, प्राध्यापक, देखने व सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं का अभिवादन करती हूँ। एक बात आपको सभी को बताना चाहूंगी, इस वेबिनार के अंत में एक YouTube लिंक में आप अपने प्रश्न और अपनी जिज्ञासा हमें भेज सकते हैं, जिसका समाधान हमारे आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर नीना श्रीवास्तव मैडम खुद करेंगी। इसके पश्चात मैं महाविद्यालय के IQSE कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता तपन मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे महाविद्यालय में IQSE की गतिविधियों पर के बारे में हमें बताएं, और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नीता तपन मैडम, थैंक यू प्रियंका मैडम, सभी का स्वागत और अभिनंदन। सन 1958 से निरंतर 63 वर्षों से स्त्री शिक्षा में अपना अमूल्य योगदान देती हुई यह संस्था शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन, जो एक उत्कृष्टता का केंद्र है, जिसे ये दर्जा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदत्त है। इस महाविद्यालय ने, यह वो संस्था है उन चुनिंदा संस्थाओं में से जिसने पूरे देश में वर्ष 2004 में अपने आप को NAC के लिए प्रस्तुत किया और 2004 में ए ग्रेड प्रथम चक्र में प्राप्त की। इस महाविद्यालय ने पुनः अपने आप को 2016 में द्वितीय चक्र NAC के मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत कर 3.19 CGPA के साथ में ए ग्रेड प्राप्त की। यह महाविद्यालय एक बहुसंकाय महाविद्यालय है, जहां पर कला, विज्ञान, वाणिज्य और गृह विज्ञान चारों संकाय चलते हैं। 6 इसमें रिसर्च सेंटर्स हैं, जिनमें हमारा जो संगीत विभाग है वो भी एक महत्वपूर्ण शोध केंद्र है। उसके साथ में हमारे यहाँ 9 सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलते हैं और रूसा और IDP के तहत 11 करोड़ और 2 करोड़ की राशि के साथ ये विभाग महाविद्यालय एकेडमिक एक्सेलेंस, गुणवत्ता और उत्कृष्टता के प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस महाविद्यालय का संगीत विभाग इस संस्था का USP है। उसमें अनेक गतिविधियां वर्षों से संचालित हो रही हैं। डॉक्टर अर्चना परमार मैडम, जो इसकी विभागाध्यक्ष हैं, वो वर्षों से युवा उत्सव की संयोजक हैं, तो युवाओं को वो एक उत्सव के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष अनेक सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के लिए उद्भूत करती हैं। साथ ही ये महाविद्यालय की कन्याओं का जो गौरव गान है और स्वर है, उसकी लहरियां विश्वविद्यालय के हर कार्यक्रम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में गुंजायमान होता रहता है। यह विभाग अनेक ऑफलाइन एक्सपर्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करता रहता है, जिसमें देश की के लब्ध प्रतिष्ठित जो संगीत के हस्ताक्षर हैं, ऐसे व्यक्ति यहाँ पर विद्यार्थियों को अपना व्याख्यान देकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत जागृत करने आते हैं। ऑनलाइन गतिविधियां प्रारंभ होने के साथ में इस विभाग ने एक हाल ही में अभूतपूर्व कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज के तहत इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक बड़ा दिवाली फेस्टिवल मनाया, जिसमें यहाँ की विभाग की छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत किया और जिसका संगीत निर्देशन डॉक्टर अर्चना परमार का था और नृत्य निर्देशन डॉक्टर प्रियंका वैद्य का था। वह कार्यक्रम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया। इसी कड़ी में अभी हाल ही में एक वेबिनार गणगौर पर्व की नृत्य परंपरा पर आयोजित किया गया, और आज जब हम ये उपशास्त्रीय संगीत की विविधता पर बात कर रहे हैं, तब भी हमारी एक्सपर्ट के माध्यम से हम संगीत में, क्योंकि आज जो पूरा शिक्षा का बल है
वो समावेशन पर है, वो इस बात पर है कि हम हर प्रकार की विविधता को समावेशित करें अपनी शिक्षा पद्धति में और विद्यार्थियों को और समस्त प्राध्यापक समुदाय को जागरूक करें सारी विविधताओं के संदर्भ में। तो इस दृष्टि से ये आज का जो राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है वो एक महत्वपूर्ण पहल है, और इस दृष्टि से मैं आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ संगीत विभाग शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ओर से आज की हमारी एक्सपर्ट विषय विशेषज्ञ का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ डॉक्टर एच एल अनजवाल सर, जो हमारे आदरणीय संरक्षक प्राचार्य हैं, उनका स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी प्रतिभागियों का। नाउ आई हैंड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द प्रोग्राम्स अगेन टू द एंकर एंड द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी डॉक्टर प्रियंका वैद्य, हु इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ डांस फैकल्टी ऑफ आवर कॉलेज। ओवर टू यू मैडम डॉक्टर प्रियंका वैद्य। थैंक यू नीता मैडम। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना परमार मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे विभाग का परिचय दें और विभाग की उपलब्धियों के बारे में सभी को जानकारी दें। ओवर टू यू अर्चना मैडम। थैंक यू प्रियंका, स्वागत वंदन अभिनंदन। आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी अतिथिगणों का, सभी सुधी जनों का, रसिक जनों का मैं स्वागत करती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिजवाल सर का। मैं स्वागत करती हूँ आज की हमारी जो सब्जेक्ट विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नीना श्रीवास्तव मैडम का, जो प्रोफेसर हैं सरोजनी नायडू कॉलेज भोपाल में, और आज हमें उपशास्त्रीय संगीत की विभिन्न गायन शैलियों पर जो बहुत रोचक लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन देने वाली हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ अपने महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक साथियों का, संगीत विभाग के समस्त सहयोगियों का, साथियों का, प्रिय छात्र छात्राओं का और लिंक से जुड़े सभी अतिथियों का जो हमारा उत्साहवर्धन करते रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं इस अवसर पर थोड़ा सा अपने महाविद्यालय के अपने संगीत विभाग का परिचय आपके समक्ष देना चाहूँगी। जैसा कि अभी तपन मैडम ने बताया कि 1958 से ये महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है, उसी के साथ हमारे संगीत विभाग का भी जन्म हुआ। सर्वप्रथम यहाँ पर मेरी गुरु डॉक्टर पद्मजा विवरेकर मैडम एवं मेरे गुरु श्रद्धेय रमाकांत दुबे जी ने संगीत की शिक्षाएं यहाँ प्रदान की। तत्पश्चात श्रीमती कल्पना अंडेकर, स्वर्गीय डॉक्टर उदय पराड़कर जी, डॉक्टर संध्या महाजन, डॉक्टर अश्विना रांगनेकर, डॉक्टर बागेश्री जोशी ने अपनी संगीत की सेवाएं यहाँ प्रदान की गायन विभाग में। तबला विभाग हमारे साथ जुड़े रहे हैं पंडित ओमदत्त आर्य जी, पंडित ललित महंत और वर्तमान में श्री राजन कराकर हमारे साथ हैं। वादन विभाग हमारे यहाँ पर सितार में श्री सुरेश प्रसाद मिश्रा सर, श्री एस मिश्रा सर, डॉक्टर सुवर्णा तावसे, डॉक्टर गीता मिश्रा जैसे दिग्गज लोग यहाँ उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसी प्रकार नृत्य विभाग में श्री राजकुमार ठोलिया जी, अनेक वर्षों तक उन्होंने छात्राओं को नृत्य की शिक्षा दी। इससे भी मैं बताना चाहूंगी कि श्री दुर्गालाल कत्थक जी, जो जिनकी कत्थक परंपरा पूरे मध्य प्रदेश, पूरे मालवा में जिनके शिष्य आज हैं, उन्होंने एवं गुरु दादेज ऐसे नृत्य गुरुओं ने भी, महान नृत्य गुरुओं ने भी यहाँ संगीत की शिक्षा अवैतनिक रूप से दी और संगीत के एक पूरी नृत्य जगत की एक परंपरा, एक नई पौध तैयार की और आज संपूर्ण मालवा में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, विदेशों में, देश में उनके शिष्य परंपरागत नृत्य का शिक्षण दे रहे हैं। इस तरह कहा जाए तो
पूरा एक संगीत गीत वादन और नृत्य, जिसको कहा जाता है कि गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। संगीत रत्नाकर का ये जो श्लोक है उसका उसको ये हमारे महाविद्यालय का जो विभाग है वो काफ़ी हद तक संपूर्ण कर रहा है। इस मौके पर मैं अपने सितार विभाग के स्वर्गीय पुर्णेंदु शर्मा जी का भी स्मरण करना चाहूँगी। इन सबके सहयोग से, इनके सबके संरक्षण में और मार्गदर्शन में हमारे हमारे विद्यालय के महाविद्यालय के संगीत विभाग ने कई इतिहास रचे हैं और आज जो कुछ भी है हम लोग वो उन सब की वजह से है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इन सब गुरुओं के पद चिन्हों पर चलकर आज इस विभाग में हम सब पदस्थ हैं। तो मैं इन सबको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। महाविद्यालय का संगीत विभाग जो है वो शोध केंद्र भी है। पिछले 30 वर्षों से यहाँ शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं और करीब 65 विद्यार्थियों ने शोधार्थियों ने यहाँ शोध उपाधि प्राप्त की है। इस तरह हमारा महाविद्यालय युवा उत्सव अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम जैसे कालिदास समारोह, युवा उत्सव, विक्रम महोत्सव, इसमें हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और उन्होंने मंच पर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अलग अलग मौक़ों पर उन्होंने प्राइज जीते हैं, अवार्ड जीते हैं। इस तरह हमारे विद्यार्थियों ने भी हमें बहुत गौरवान्वित किया है और हम बहुत सब अभिभूत हैं कि हम सब इससे जुड़े हैं और आप आज हम लोगों को वेबिनार के माध्यम से सुन रहे हैं। मैं अब डॉक्टर प्रियंका वैद्य को आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करती हूँ, वे आए और डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी का परिचय दें। प्रियंका वैद्य। थैंक यू मैडम। डॉक्टर नीना श्रीवास्तव जी जो आज के हमारे मुख्य अतिथि और वक्ता हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, उनका परिचय देना चाहूँगी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका व साथ में उपशास्त्रीय गायिका भी हैं नीना जी। नीना श्रीवास्तव जी का जन्म एक सुप्रसिद्ध सांगीतिक परिवार में हुआ। इनके दादा प्रसिद्ध शायर श्री मधुसूदन लाल जी रोशन हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गुरु श्री नथुलाल जी से प्राप्त की। इसके पश्चात आपने सेमी क्लासिकल की शैली की शिक्षा पंडित रामबाबू भट्ट जी से प्राप्त की है। एमए म्यूजिक के बाद आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की जिसका विषय था निराला जी के गीतों का सांगीतिक अनुशीलन। डॉक्टर नीना जी ने लगभग 20 पेपर पब्लिश किए हैं। इनके कई छात्र अभी इनके अंडर पीएचडी कर रहे हैं। वर्तमान में आप सरोजनी नायडू महाविद्यालय भोपाल में संगीत विभाग में प्राध्यापक पद पर हैं। डॉक्टर नीना श्रीवास्तव जी ने सुर सिंगार मुंबई, सरस्वती महोत्सव छिंदवाड़ा, चित्रकूट महोत्सव, बसंत उत्सव, उत्तराधिकार जनजातीय संग्रहालय भोपाल, शास्त्रीय गायन रामकृष्ण मिशन आश्रम भोपाल, गुरु पूर्णिमा उत्सव ग्वालियर, गजल संध्या आर्ट एंड म्यूजिक फेस्टिवल जबलपुर, होली गायन भोपाल, राग सेवा वृंदावन, झूला और कजरी महोत्सव भोपाल, ललित पर्व उज्जैन आदि स्थानों पर अपना प्रदर्शन किया है शास्त्रीय व उपशास्त्रीय गायन पर। आपके द्वारा गाए कोविड-19 के गीत को यूट्यूब पर लगभग 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं। संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित गमक उत्सव में आपने शास्त्रीय गायन में नेशन बिल्डर अवार्ड प्राप्त किया है। सुरवाणी कला संस्था द्वारा आराधना कला सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। मैं ऐसे डॉक्टर नीना श्रीवास्तव मैडम को यहाँ पाकर, हमारे बीच पाकर बहुत अभिभूत हूँ। विषय परिवर्तन के लिए मैं डॉक्टर अर्चना परमार मैडम को पुनः आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर अर्चना परमार मैडम, ओवर टू यू मैडम। धन्यवाद प्रियंका। आज का विषय उपशास्त्रीय संगीत की विभिन्न गायन शैलियाँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संगीत हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सुख हो, दुख हो, हर्ष उल्लास, त्यौहार हो, कोई शुभ मंगल कार्य हो, यहाँ तक कि मृत्यु के अवसर पर भी
गीत गाए जाने वाली परंपरा हमारे देश में मौजूद है। हर हर एक समय के अलग अलग ऋतुओं के गीत यहाँ प्रचलित हैं। हर मौसम के, हर त्यौहार के, हर पर्व के, लोक पर्व के गीत हमारे यहाँ बड़े चाव से गाए जाते हैं। और हमारा जो संगीत है उसका जो मूल स्रोत है वो वेदों को माना गया है। सामवेद की ऋचाएं और मंत्र पूरी तरह से संगीत से जुड़े थे। और ये भी सिद्ध हो चुका है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि ब्रह्मांड में सुनाई देने वाली पहली ध्वनि नाग ब्रह्म या ओम है। शास्त्रीय संगीत के जानकारों को जो जानकार होते हैं वही शास्त्रीय संगीत का आनंद ले पाते हैं, लेकिन उपशास्त्रीय संगीत जैसे कि इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि उपशास्त्रीय संगीत जिसमें लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का मेल मिश्रण होता है। उपशास्त्रीय संगीत में यद्यपि शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है, शास्त्र सम्मत होता है, लेकिन फिर भी उसमें लोक संगीत का जो प्रयोग होता है उससे विषय अत्यंत रुचिकर हो जाता है, इसलिए सामान्य श्रोता वर्ग को भी अत्यंत प्रिय होता है। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आने वाली जो शैलियां हैं, जो आपको अभी नीना जी जिनके बारे में डिटेल से डिमोन्स्ट्रेशन लेक्चर के द्वारा बताएंगी, होरी, गजरी, चैती, फाग, ठुमरी, झूला इत्यादि हैं। और हमारे यहाँ अलग अलग विभिन्न ऋतुओं में इनको गाए जाने की परंपरा है। जैसे होली के त्यौहार पर फाग, रसिया और होरी गायन करने का प्रचलन है। उसी तरह जब वर्षा ऋतु का मौसम आता है, जब आकाश में काले बादलों का घुमड़ा दिखाई देता है, बिजली चमक रही है, तो उस वक्त झूला गाने का और कजरी गाने का हमारे लोक संगीत में बहुत प्रचलन है, लोक में प्रचलित है। इसी तरह इन गानों में होरी, फाग और झूला, कजरी, इनमें श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं का वर्णन भी होता है, ऋतु वर्णन होता है, प्रकृति वर्णन होता है, श्रृंगार रस, वियोग रस का प्रयोग होता है, और विरह का तो बड़ा सुंदर कजरी में प्रयोग किया गया है। और आप लोग अभी जब सुनेंगे तो आप समझेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं हमारे जीवन से, हमारे लोक जीवन से किस तरह जुड़ी हैं। और सभी शास्त्रीय गायकों वादकों ने भी इन सब लोक प्रचलित गायन शैलियों का बहुत प्रयोग किया है। और पूरा अगर राग न समझ में आए तो इन इन शैलियों को तो आम जनता खूब सराहती है और इनका बहुत प्रचलन है। तो आइए अब हम चलते हैं और लीला जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन शुरू करें। नीना जी आइए। नीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ तबले पर श्री प्रमोद भट्ट हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज के कार्यक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। डॉक्टर नीना श्रीवास्तव आए और अपना लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत करें। डॉक्टर नीना श्रीवास्तव नमस्कार। माँ शारदा और मेरे सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हुए मैं आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 मैडम, आ रही है, आप सुन सकते हैं हम अच्छे से। इतना प्रेस्टीजियस कॉलेज है गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन, जिसके बारे में भी बताया गया मुझे, और इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर एच एल अजवानी अनिजवाल जी, संगीत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना परमार मैडम, आई क्यू ए सी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता तपन मैडम, और इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य और संगीत और डांस विभाग के सभी प्राध्यापकगण, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने प्रेस्टीजियस कॉलेज में वेबिनार हो रही है और मुझे उसमें आप लोगों ने एज अ रिसोर्स पर्सन आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद आप सबको। अभी डॉक्टर अर्चना परमार, जिनको मैं अर्चना दीदी बोलती हूँ, मेरे से बड़ी है,
और उन्होंने विषय परिवर्तन बहुत अच्छे से कर दिया है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है कि उपशास्त्रीय संगीत क्या है, क्योंकि म्यूजिक के अलावा बच्चे भी बैठे हुए हैं और भी सब्जेक्ट के लोग बैठे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी बच्चों को कि आपने मार्गी संगीत और देशी संगीत पढ़ा ही होगा बीए में। तो संगीत एक ललित कला है और हमेशा ललित कलाओं में दो धाराएं प्रवाहित होती रही है समानांतर रूप से, एक क्लासिकल और एक फोक। चाहे वो आप फाइन आर्ट्स में देख लीजिए, चाहे संगीत में देख लीजिए, सब जगह दो धाराएं सदैव प्रवाहित होती रही हैं, एक प्रकृत और दूसरी परिष्कृत। प्रकृत यानी प्राकृतिक, जो स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न हुई है, और दूसरी यानी लोक संगीत हमारा, और परिष्कृत यानी परिष्कार जिसका किया गया हो, जिस कला का, यानी शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में कुछ नियम होते हैं, चाहे वो हम राग गाएं, ख्याल गाएं, ध्रुपद गाएं, उसके वादी स्वर, संवादी स्वर, उसमें लगने वाले सभी स्वर और उनका रागों का चलन सब रहता ही है, उसमें नियमों में आता है, उसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते। लेकिन इसके विपरीत लोक संगीत, वो पूरा लोक रुचि पर आधारित संगीत होता है, उसमें लोक रंजन और भाव पक्ष प्रधान होता है। और जब ये सोचिए कि ये जब ये दोनों संगीत मिल जाए, शास्त्रीय और लोक, तो कितना सुंदर होगा। वो संगीत जो जिसमें देशीपन हो और शास्त्रीयता का आधार भी लिया गया हो आंशिक रूप से, जिसमें मिट्टी की सुगंध हो और शास्त्रीय भी, उसमें राग भी आंशिक रूप से दिखे, तो ऐसा संगीत उप शास्त्रीय संगीत कहलाता है। हाँ ठीक, तो ऐसा संगीत जब उपशास्त्रीय संगीत कहलाता है, तो हमारे शास्त्रीय संगीत के जो मनीषी थे, पुराने जो शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, उन्होंने भी जब ये दोनों का प्रभाव देखा, महसूस किया, तो उन्होंने लोक संगीत से उद्भूत कुछ शैलियां थी जो शास्त्रीय ढंग से गाई जाने वाली थी, उनको उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रखा। इन विधाओं में ठुमरी, दादरा, गोरी, कजरी, चैती इत्यादि आते हैं, जो अपना अपना विशिष्ट गुण लिए होते हैं और उसी के कारण वो अलग अलग भी दिखाई देते हैं और अपनी एक विशिष्ट पहचान भी बनाए रखते हैं। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश की हूँ और पूर्वांचल क्षेत्र है मेरा, तो मैं उधर की ही आपको सारी उपशास्त्रीय संगीत की शैलियां बताऊंगी और उनकी प्रस्तुति भी दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चैती की। हिंदू पंचांग में अगर देखा जाए तो चैत का महीना सबसे पहला महीना कहलाता है। इसके बारे में मैं बताऊं आपको, एक बहुत ही पौराणिक जो मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने चैत शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना की थी। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने जो दशावतार में से पहला अवतार उनका था मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार लेकर जब प्रलय आई थी, तो प्रलय काल में अथाह जल राशि से मनु की नौका को निकाल कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। और जब प्रलय समाप्त हुई, उसके बाद मनु से ही सृष्टि की शुरुआत हुई और सत्ययुग प्रारंभ हुआ। विष्णु जी के सातवें अवतार श्री राम का जन्म चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी के त्योहार से मनाया जाता है। तो चैती गाते समय आपने देखा होगा हो रामा की टेक लगती है, हर पंक्ति के बाद हो रामा आता है, तो ये परिचायक भी है कि हाँ ये चैती गायन हो रहा है। तो मैं आज अपने प्रस्तुति की शुरुआत चैती का, राम जन्म का जो एक गीत है, उससे प्रारंभ करती हूँ। मेरे साथ संगत कर रहे हैं तो बहुत गुणी व्यक्ति हैं हमारे साथ कॉलेज में ही है, श्री प्रमोद भट्ट जी। Rama,
उज्जैन के ही कवि कालिदास, महाकवि कालिदास जी ने चैत माह के बारे में बहुत सारा लिखा है ऋतु संहार में, और उन्होंने एक इसका पक्ष ये भी लिखा है, श्रृंगार पक्ष जो है उसको बहुत अच्छे से बताया, वासंतिक सुषमा और उसको मधुमास की सार्थक संज्ञा दी है। एक बसंत और फागुन के अवसान के बाद, उसके बाद चैत महीना प्रारंभ होता है, तो बसंत का और फागुन का जो रंग है वो चैती में जो गाए जाते हैं गीत उनमें बहुत स्पष्ट रूप से झलकता है। जब नायिका जो होती है अपने प्रियतम के साथ बहुत अच्छा श्रृंगार पक्ष का एक गीत है चैती, बताती हूँ मैं, गाती हूँ। नायिका जो है रंगरेज से, जो रंगरेज आज तो मिलते ही नहीं आजकल, डाई जिसको बोलते हैं, रंगरेज से अपनी चुनरी और अपने पिया की पगड़ी को एक ही रंग में रंगने को कहती है। इससे सुंदर श्रृंगार क्या देखने को मिलेगा हमारे लोक में, बहुत ही छुपे रूप से एक प्रणय दिखाया जाता है, एक अपना प्रेम नायिका और नायिका का, नायक का दिखाते हैं। तो यही एक भाव लिए चैती मैं प्रस्तुत करती हूँ। कुछ कुछ आते हैं इस रूप शास्त्री में, सारे धर चुनरी रंगाई दहो रामा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारी चैतियां हैं। मुझे लगता है कि इतना ये बृहद टॉपिक है कि इसमें चैती चैती का एक पूरा एक सेशन हो सकता है, और इतनी सारी विधाएं हैं, तो मैं सोचती हूँ एक एक कुछ कुछ गा के और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सुना सकूं अपनी। इसके बाद में होरी जो है, कहने को तो लोक संगीत में होली कहते हैं, हमारी मदर जो उधर ही साइड की है, होलियां मतलब होली के एक दिन पहले रंग पासी होती है, उसमें शाम को जो मोहल्ले की जितनी सारी लेडीज आ जाती थी और एक जो चिप्स पापड़ और ये जो पकवान जो बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे पकवान, गुजिया बनती, वो सब एक हर मोहल्ले में इस तरह से जाते थे और बातचीत होती थी और उसमें होलियां गाई जाती थी। तो मेरी तो मदर बहुत अच्छा होलियां गाती थी, बहुत ट्रेडिशनल गाती हैं। मैं आपको, चूंकि ये उपशास्त्रीय संगीत है, इसलिए मैं एक जहां तक क्या होता है उपशास्त्रीय संगीत में जो भी हम विधाएं ले रहे हैं, इसमें देश तिलक कामोद काफी पहाड़ी और भैरवी खमाज ये सारी रागे हम लोग इसी में गाते हैं। मैं एक बहुत ही रेयर पंडित सत्यमान शर्मा जी हैं, वो भी हमारे गुरु रहे हैं, तो उन्होंने एक नायकी कानना में बंदिश बताई थी होरी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले नायकी का छोटा ख्याल मैं सुनाना चाहूंगी जो कि एक ताल में निबद्ध है, उसके बाद में नायकी कानना पे ही आधारित एक होरी है वो सुनाऊंगी आपको। Thank you.
नाइकी कनाडा छोटा ख्याल ताल एक ताल सुनाऊंगी। इसके बाद
अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो सावन आता है, जुलाई अगस्त का महीना होता है। सावन में जैसा कि परमा मैडम ने बताया भी, कजरी झूला ये सब तो हम सुनते ही हैं। और मैं आपको एक सावनी सुनाती हूँ। जब निराई करते हैं तब बारिश झिरझिर झिरझिर बारिश होती रहती है, उसको बराबर एक मूसलाधार नहीं होती, वो रिमझिम रिमझिम बरसता रहता है पानी। वो बहुत मिट्टी के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, निराई बोलते हैं उसको, और सोहनी भी कई लोग उसको बोलते हैं। तो उपशास्त्रीय संगीत में ये देश, जैसे मैंने बताया मैंने कि देश राग में बहुत सारी बंदिशें हैं, तो ये देश राग की ही बंदिश है। झीरी झीरी बरसे सावन ने रस बूंदिया। इसमें मैं बता दूं, सा को मां मान के बंदिश है ये। सा झीरे झीरे बरसे, झीरे झीरे बरसे बरसे बरसे। कभी वृंदावनी सारंग भी ले आ सकते हैं, पीलू भी ले आ सकते हैं।
कोई बंधन नहीं है कि हमको यही गाना है। दादुर बोले जिगुर जाने तारे, दादुर बोले, दादुर बोले जिगुर जिगुर जाने तारे, जन तारे जन तारे जन तारे जन 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी संगत भी उतनी ही अच्छी है और लीना तुम्हारी प्रस्तुति तो क्या बात है, बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मुझे लगता है कि जब संगत अच्छी होती है तो बस तालमेल जब बहुत अच्छा तो बहुत अच्छी अच्छी उपज भी होती है। और ये मानिए कि उपज तो स्पॉन्टेनियस ही होती है, प्रैक्टिस तो इसकी रटा नहीं जा सकता इसको। जैसी संगत मिलेगी आपको उपज आपकी बढ़ती जाती है। दीदी मैंने आपका एक झूला सुना है, मैं चाहूंगी आप भी इतना अच्छा गाती हैं तो आपका झूला भी हो जाए। नीना मेरा गला भी बहुत खराब हो रहा है पर तुमने बोला है तो मैं दो लाइन उसकी झूला हाँ की सुना देती हूँ। आज सुबह से कुछ परिस्थितियां भी बड़ी अलग अलग तरह की परिस्थितियां आ रही है, तो सावन की और झूले की बात हो और रिमझिम वर्षा की बात न हो। जी, तो मैं दो लाइन तुम बोल रही हो इसलिए। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा है वो झूला आपका। झूलन चलो हिंडोल नवृष भानु नंदिनी, झूलन चलो इंडोल नवृष भानु नंदिनी, वृष भानु नंदिनी, वृष भानु नंदिनी, वृष भानु नंदिनी, वृष भानु नंदिनी, झूलन चलो इंडोल नवृष भानु नंदिनी। सुंदर कदम की डाली झूला पड़ा है प्यारी, सुंदर कदम की डारी झूला पड़ा है प्यारी, मुख चंद्र सी उजियारी मृदुहास बंदिनी, मुख चंद्र सी उजियारी मृदुहास बंदिनी। झूलन चलो किंडोल नवृष भानु नंदिनी, सावन की तीज आई घनघोर घटा छाई, सावन की तीज आई सावन की तीज आई घनघोर घटा छाई, राधे के संग झूला झूले कान्हा के संग झूला झूले राधा नंदिनी, कान्हा के संग झूला झूले राधा नंदिनी।
झूलन चलो इंडोल नवरश भानु नंदिनी। हमारे साथ भी यही दिक्कत हुई कि हमारे तबला जो वादक है उनकी आज तबीयत खराब हो गई है और बहुत विपरीत परिस्थितियों में ये वेबिनार लग रहा था पहले हो पाएगा भी कि नहीं, तो पर तुमने उसको पूरा जीवंत कर दिया, जीवंत कर दिया। आपने हाँ, बहुत सराहा, देखिए आपने मियां मदार ले लिया इसमें जी, तो हमने इसलिए उसमें हाँ उसको फ्यूजन कर लिया उपशास्त्रीय और शास्त्रीय का। नहीं नहीं उपशास्त्रीय यही तो है दीदी, उसको तो उपशास्त्रीय बोलेंगे, आपने शास्त्रीय राग मियां मदार ले लिया। हाँ, मैं यही कर रही, बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं हम भी, क्योंकि शास्त्र तो नियमों से बंधा होता है और वो बहुत लोग एंजॉय नहीं कर पाते, हमने इतने सालों का जो अनुभव रहा है जी। तो लोग शास्त्रीय संगीत से जो जानकार नहीं होते वो थोड़ा उनको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होता है भाव पक्ष आपको संगीत में ज्यादा दिखता है शास्त्रीय संगीत दिखता है। हाँ, और रागदारी में तो क्या है कि फिर राग की बढ़त है, उपज अंग है, आलाप है, और बार बार एक ही चीज पे जब लौट के आते हैं तो वो समझ जो जानकार है वही इसको उसको एंजॉय कर पाता है, लेकिन उपशास्त्री में तो लोग बहुत बहुत एंजॉय करते हैं जी। तो प्लीज नीना आप आगे अपना कार्यक्रम जारी रखें। जैसे कि सावन में कजरी होती है और झूला भी मैडम ने गाया ही है, सावनी मैंने गा दी, कजरी मैं बताऊं, कजरी में कई सारे विषय हैं कजरी के, राधा कृष्ण का प्रेम तो है ही और नायक नायिका का भी है और विरह भी है, संयोग भी है, सब है, बहुत बारिश में नंद भौजाई का भी है, मिर्जा, तीन तरह की कजरी मैंने सीखी है और पता है मुझे एक बनारसी कजरी और एक मिर्जापुरी कजरी और एक ठुमरी अंग की कजरी। तो जो बनारसी कजरी होती है वो थोड़ी शास्त्रीयता ली होती है क्योंकि बनारस के जो बहुत महान पंडित हैं वहां पर सभी बनारस को संगीत कर रहे हैं, तो जो मिर्जापुरी कजरी होती है वो चलत होती है और लोक प्रधान ज्यादा रहती है, वहां की जो महिलाएं होती हैं वो उस समय गाती हैं, अपने घर में गाती हैं, और कजरियां कजलियां जो देते हैं नंद वजह एक दूसरे को बांटते हैं, जवारे बोए जाते हैं जो गेहूं के, तो तब वो ननद भौजाई और आपस में जो महिलाएं हैं घर की वो गाती है, तो वो मिर्जापुरी कजरी है, उसमें फोक ज्यादा पक्ष रहता है। और जो बनारसी कजरी होती है उसको वो शास्त्रकारों ने या हमारे संगीतज्ञ जो हैं उन्होंने उसको थोड़ा सा शास्त्रीय रूप दे दिया है। और एक ठुमरी होती है, ठुमरी अंग की कजरी होती है, मैं सोचती हूँ वो गाऊं क्या, वृषभान, जैसा आपने भी बोला वृषभान की लली, तो मुझे याद आ रहा है कि एक ठुमरी अंग की कजरी है वो मैं आपको सुनाती हूँ और उसके बाद आप कहेंगे तो मैं बनारसी कजरी भी सुना दूंगी आपको। सोचे ब्रिजवान सुनो लागो मेरो ध्यान, नहीं आए घनश्याम घिर आई बदरी, बैठे सोचे ब्रिजवान सुनो लागो मेरो
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार बैठे हैं सुनने के लिए। अच्छा मैं एक बनारसी गजरी बहुत मुझे प्रिय है वो, एक्चुअली वो सुनाती हूँ। बिल्कुल
इसकी वर्डिंग्स बताना चाहती हूँ। कहनवा मानो ओ राधा रानी, ये राधा कृष्ण का ही इसमें प्रणय है। और हमेशा हम देखते हैं कि राधा बहुत खींच जाती है कृष्ण की लीलाओं से, लेकिन आज कृष्ण जो है उनको मना रहे राधा को। तो कहनवा मानो ओ राधा रानी, इसमें देखिए कितनी विनती करते हैं कृष्ण जो है राधा से, वो है कजरी। कहनवा मानो ओ राधा रानी, विनती विनती विनती।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। पीलू का क्या रंग दिखाया है, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो ये थी अभी बनारसी कजरी, जिसमें बहुत सारे रंग हमारी गिरजा देवी जी ने, चन्नूलाल जी ने बहुत सारे रंग दिखाए हैं। मेरा जितना हो सकता है मैं दिखा रही हूँ। अभी कोशिश जारी है कि और भी अच्छा करना है हम लोगों को। इसके बाद मैं झूला तो आपने गा दिया है, वह बहुत अच्छे अच्छे झूले भी हैं। मैं सोच रही हूँ कि ठुमरी जो है, जो हमारा सबसे निकट है शास्त्रीय संगीत की विधा जो है ठुमरी, उसको गाने की कोशिश कर रही हूँ। मिश्र खमाज में है। मद के भरे तोरे नैन, ये जत ताल में है और मिश्र खमाज राग में। Shabbat
Thank you.
बहुत सुंदर, अति सुंदर लीना। तो लेकिन प्रमोद जी पूरे स्पेशल है मेरे लिए। हाँ, प्रमोद जी की संगत बहुत ही अच्छी है, और जैसे कि होना चाहिए सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। तो यद्यपि मन भरा नहीं अभी, पर समय हमको समय की हमारे पास थोड़ी गुंजाइश नहीं है, तो मन तो कभी भी नहीं भरेगा। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि कोई इसका अंत, कोई भैरवी का कोई भी आप, अगर आपके भजन हो, गीत हो, गजल हो, या कुछ भी हो भैरवी से, तो मैं चाहूंगी कि भैरवी से समापन, जो कि संगीत सभा का एक नियम है, तो अगर आपके पास कोई भैरवी आपके भैरवी में मेरी एक जैसे कि ठुमरी बच्चों को बताया ही नहीं, ठुमरी जो है उसके पहले मैं बताना चाह रही थी कि ठुमरी जो है ठुम और री, ठुम मतलब चुमकने का द्योतक है और री मतलब अपनी अंतरंग सखी से बात करने का द्योतक है। और इसको आचार्य बृहस्पति जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि जैसे ठुमरी में एक हम राग बेसिक लेते हैं और उसके बाद उसकी अलग अलग छाया लेते हैं। आपने देखा ही होगा, भी मैंने बहुत सारी इसमें राग जोड़े थे। तो उन्होंने कहा है कि घूंघट में छुपाई हुई अध खुले घूंघट वाली, घूंघट में अपना मुंह छुपाए हुए अध खुले घूंघट वाली, प्रियतम की दृष्टि मिलते ही लज्जा से नेत्र झुकाने वाली, और भौहे करेरे प्रीतम की ओर तिरछी चितवन से ताकती, नवोढ़ा मतलब नई दुल्हन का व्यक्तित्व एक ही है लेकिन छवियां अलग अलग हैं, वो अलग अलग उसकी छवियां दिखती है इन सारे अभिव्यक्ति में। तो ठुमरी गायन में ये सभी जो राग, रागों की छाया आती है इन्हीं छवियों को सामने लाती है। तो ये ठुमरी का परिचय दिया था उन्होंने। अब ठुमरी दो तरीके की होती है, एक तो बोल बनाव की तुम ठुमरी, जैसे मैंने भी बोल बनाव किया ही, नैना को मैंने कई तरीके से प्रस्तुत किया और भी कई शब्दों को लेके। इसके अलावा आती है बोल बांट की ठुमरी, तो बोलों को बांटा जाता है, तो वो मैं आपको, एक ठुमरी है मेरे पास, मेरे गुरुजी श्री रामबाबू भट्ट जी ने सिखाई है और उनको याद करते हुए मैं ये ठुमरी गाती हूँ। इसमें बहुत सारे वेरिएशन मैंने खुद भी किए हैं। तो ये भैरवी में बोल बांट की ठुमरी, बांट चलत मोरी चुनरी रंग डाली, मेरी आवाज आ रही है आपको ना? मुझे मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? जी जी जी, बहुत अच्छे से आ रही है, बिल्कुल आ रही है मेरे। Ah
वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। और आज हाँ बिल्कुल निश्चित ही मन भरा नहीं, बोलते हैं ना कि अभी बिल्कुल मन भरा नहीं है। और हम ये सेशन फिर कभी हाँ उनके विभाग के पद आपने मुझे मौका दिया, मुझे आमंत्रित किया दीदी, इसके लिए इतना सुंदर कॉलेज है, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं इस कॉलेज के, इतने बड़े बड़े गुरुजन
गुरुजन जो है अरगुणी जन इस कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और उस कॉलेज ने मुझे आमंत्रित किया, इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात होगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके भट्ट सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी संगत में मतलब इस कार्यक्रम और इतनी रसों सुरों की वर्षा हुई है कि हम सब भीग गए हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी कभी फिर हम इस वेबिनार के माध्यम से यह हो सकता है सशरीर हम एक दूसरे के आमने सामने बैठ के कार्यक्रम करें तो और आनंद आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब मैं डॉक्टर प्रियंका वैद्य को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे की कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर प्रियंका वैद्य। धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे संरक्षक हमारे प्राचार्य डॉक्टर अनिजवाल सर को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे आए और अपना उद्बोधन दें। ओवर टू यू सर। धन्यवाद मैडम। आज के म्यूजिक विभाग के इस सुंदर कार्यक्रम में मैं डॉक्टर नीना श्रीवास्तव मैडम का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी मैं सुन रहा था पूरे प्रोग्राम को, नीना मैडम ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की और साथ में मैं अर्चना मैडम को भी मैंने सुना है, शायद पहली बार मैंने अर्चना मैडम को सुना है। इतना सुंदर गायन आपका है क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला था कभी अर्चना मैडम को सुनने का। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक चीज मैंने सुनी है कि जिनकी वाणी में माँ सरस्वती का वास होता है वही माँ सरस्वती की कृपा से सुंदर गायन कर पाते हैं। तो आप दोनों के वाणी में माँ सरस्वती का वास है ऐसा मुझे लगा। निश्चित रूप से आप के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए एक सुंदर आयोजन आपके विभाग के माध्यम से आयोजित हुआ और इससे महाविद्यालय के विद्यार्थी और साथ में ऐसे श्रोता और दर्शक भी लाभान्वित हुए होंगे जो कहीं न कहीं म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। कई तरह की गजरी सावन से संबंधित बनारसी मिर्जापुरी इस तरह की मैं सुन रहा था। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आपके माध्यम से प्रस्तुत हुआ। मैं नीना श्रीवास्तव मैडम का महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद सर। अब मैं आभार की एक अंतिम कड़ी प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं सबसे पहले आभार मान रही हूँ हमारे आज की अतिथि डॉक्टर नीना श्रीवास्तव जी का, उनके साथ तबले पर संगत कर रहे पंकज जी का। आभार व्यक्त कर रही हूँ हमारे प्राचार्य हमारे संरक्षक श्री अनिजवाल सर का, प्राध्यापक जो इसे देख रहे हैं सुन रहे हैं, यहाँ के अतिथि विद्वान व्याख्याता सहायक प्राध्यापक एवं सभी सुधी श्रोता, इनका सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। सभी छात्राओं का आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे मेहमानों का जिन्होंने इसे देखा सुना और सराहा उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे ज्यादा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी श्री श्री धर्मेश सर का, उनके मार्गदर्शन उनकी सहायता वेबिनार सही ढंग से संचालित करने में सहायता मिली। IQSE की मैडम नीता तपन जो हमें सदैव उत्साहित करती रहती हैं उनका भी आभार मान रही हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमें सहायता प्रदान की मैं उनका सभी का आभार मानती हूँ। पुनः एक बार आप सभी को याद दिला दूं कि इस वेबिनार के अंत में फीडबैक लिंक मिलेगी आपको, उसमें फीडबैक फॉर्म जरूर भरें और अपना ई सर्टिफिकेट प्राप्त करें। आप सभी का धन्यवाद, पुनः आभार, नमस्कार।
सॉरी कुछ नहीं कर रहे।